पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की मतगणना 23 मई की सुबह 8 बजे से एएन कॉलेज में होगी। 9 बजे से रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अंतिम परिणाम के लिए देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। मतगणना स्थल की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने 100 दंड अधिकारी, 100 पुलिस अधिकारी के साथ 500 महिला और पुरुष जवानों की प्रतिनियुक्ति की है। बिहार में अभी भी ईवीएम को लेकर मारामारी के हालात हैं। विपक्ष की ओर से ईवीएम के साथ छेड़छाड़, ईवीएम की हेराफेरी और कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसी बीच गायब तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। ये इशारा केंद्र और राज्य सरकार की ओर है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन बाल मजदूरों के जरिए भी हुआ है। ईवीएम चलकर मुजफ्फरपुर के होटल भी पहुंची, जहां उसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बरामद किया गया। नियमों के विपरीत अपंजीकृत वाहनों में वोटिंग मशीनों को ढोया गया। वोट नहीं डालने को लेकर भले ही तेजस्वी यादव की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई हो, लेकिन बिहार की पूर्व सीएम और उनकी मां राबड़ी देवी ने इस मसले पर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। 19 मई को हुई वोटिंग के 2 दिन बाद यानी 21 मई को राबड़ी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और बताया कि तेजस्वी ने किन कारणों से वोटिंग नहीं की। राबड़ी ने ट्वीट पर लिखा, नेता प्रतिपक्ष के साथ चुनाव आयोग का ऐसा सलूक दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी की जगह किसी और का फोटो लगाने के मामले में क्या कार्रवाई की? इसका दोषी कौन है? तेजस्वी के साथ ही ऐसा क्यों किया गया? क्या साजिश रची जा रही थी? पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की प्रहरी लक्ष्मी देवी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीसी जायसवाल की ग्रीष्मकालीन पीठ ने मंगलवार को लक्ष्मी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। उस पर बालिका गृह की बच्चियों का यौन शोषण कराने का आरोप है। राज्य महिला आयोग की उप सचिव निरीक्षण के लिए 14 नवम्बर 2013 को रक्षा गृह पहुंची थी तो उनको शिकायत मिली कि यहाँ की लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बाहर भेजा जाता है। इसमें लक्ष्मी की मुख्य भूमिका पाई गई थी। पटना और आसपास का इलाका खूब तपा रहा। अधिकतम तापमान फिर से 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गया सबसे गर्म रहा। गया का तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। कमोबेश इसी तरह का मौसम रहेगा। तापमान 42 डिग्री के आसपास रहेगा। एक मौसम विज्ञानी के अनुसार मंगलवार को तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अभी ये स्थिति 2-3 दिन और रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।